Hi, myself Rasika Bhavanikar. I'm at this Lifecare clinic. I have visited this for the first time. और हम यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट करने आए थे एक्चुअली. तो मैं एक्चुअली तो बोलने के लिए जाऊँ कि मैं टेस्ट से बहुत डरती हूँ, स्पेशली इंजेक्शन से तो मैं बहुत डरती हूँ. तो इस चीज़ से मैं दूर ही भागती हूँ. पर व्हेन आई केम हियर आई वाज टोल्ड फॉर ब्लड टेस्ट. फर्स्ट द फर्स्ट थिंग वाज ब्लड टेस्ट. तो ब्लड टेस्ट में जाने के लिए तो मतलब बहुत डर लगता है. पर मैं जैसे ही गई तो एक्चुअली जो नर्स मुझे गाइड कर रही थी इन सब चीज़ों के लिए, उन्होंने कब ब्लड टेस्ट लिया, क्या कब इंजेक्ट किया, मुझे कुछ नहीं समझा एक्चुअली. आई डोंट रिमेम्बर ओनली कि वो इंजेक्शन कब मेरे हाथ में गया, नर्स में गया, मुझे कुछ नहीं पता. सो दैट वॉज वेरी क्विक एंड वेरी स्मार्ट एंड यू नो दे एक्चुअली नो हाउ टू हैंडल द पेशेंट. एक्चुअली दे नो इट वेरी वेल कि इंसान को तकलीफ ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी तकलीफ में है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो उनको अच्छे से पता है. देन आई वेंट फॉर माय ईसीजी थिंग. द ईसीजी थिंग वाज लाइक आई हैव नेवर डन इन माय होल लाइफ. तो आई डोंट नो व्हाट ईसीजी स्टैंड्स फॉर, आई रियली डोंट नो. तो आई वाज लाइक ओके चलो जाते हैं. तो द नर्स केम, शी उसने मुझे गाइडलाइन दिया कि गाइड किया कैसे कैसे क्या क्या करना है करके. तो आई वाज लाइक कि ओके फाइन ठीक है. तो डॉक्टर आए, द डॉक्टर का द वे ही वाज टॉकिंग, इट वाज सो नाइस, इट वाज सो हम्बल कि मैं ऐसी थी उस बंदे को देख के कि वाओ, सच अ नाइस डॉक्टर. मैंने हम मिलते हैं डॉक्टर्स को, पर एक तरीका होता है बात करने का पेशेंट के साथ कि कैसे उनको हैंडल करना है कैसे. जैसे मैंने पहले नर्स के बारे में बताया तो ही न्यू इट. तो बहुत एकदम अच्छे तरीके से उन्होंने समझा कि कुछ नहीं होना है, बस आपको वॉक करना है. लाइक ओके. तो वो भी एक फ्लो में चला गया. मैंने कब शुरुआत की, मैंने कब मेरा ईसीजी खत्म हुआ, मुझे कुछ नहीं समझा. एंड हम बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे. सुबह अराउंड समथिंग 9 o'clock वी केम हियर. तो जैसे आए तो ऑफकोर्स ब्लड टेस्ट है, कुछ नहीं खाना है, कुछ भी पीना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ पानी पर रहना है. जैसे जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता गया, वी वेर डन विथ इट, वी वेर हंग्री इन शॉर्ट. तो थोड़ा बहुत स्टफ तो लाया था, पर एंड आई एम वेरी मच एडिक्टेड टू कॉफ़ी. तो कॉफ़ी के लिए भी कहाँ भागना है. तो सबसे प्लस पॉइंट बाद में देखा कि भाई इधर तो वी हैव अ पैंट्री एंड आई वाज सो सॉर्टेड. दे हैव अ वेरी नाइस पैंट्री. द एम्बियंस ऑफ दिस लाइफ केयर इज अमेजिंग. इट्स वेरी काम, इट्स वेरी आई शुड से आई एम नॉट एक्चुअली गेटिंग द करेक्ट वर्ड. इट्स वेरी काम, बहुत शांति है, बहुत अच्छा है. द गाइडिंग लाइन ऑफ एवरी वन ओवर हियर इज वेरी नाइस. Everything is very systematic, first of all. ऐसा कुछ हॉश पॉश काइंड ऑफ कुछ भी नहीं है. Everything is in a very settled way. इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये. Everything is very nice. Thank you so much.